समस्तीपुर समेत विभिन्न जिलों में चुनावी मौसम में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाता है। कभी वाहनों से टका के साथ दारू और असलहे भी बरामद किए जाते हैं, लेकिन समस्तीपुर पुलिस ने ठगी और पुलिस वर्दी की आड़ में चल रहे नए तरीके के गैंग को टारगेट पर लिया है। शक को सच में बदलते देर नहीं हुई। आइए जानते हैं पुलिस के उस पदाधिकारी से जिनके कारण यह VIP गैंग अब सलाखों के पीछे है। चेकिंग चल रही थी चुनाव के मद्देनजर, देर रात्रि में बंगरा थाना अध्यक्ष और उनकी टीम द्वारा कुछ लोगों को रोका गया। इसमें एक मिनी ट्रक था और एक SUV गाड़ी थी, उसको शंका के आधार पर पूछताछ प्रारंभ किया गया। पहले ये तो बताया कि अपने दोस्त को सीतामढ़ी छोड़ने आए थे, लेकिन जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें कुछ संदिग्ध सामान मिला, जिसमें एक पिस्टल भी था और एक पुलिस की वर्दी थी, दिल्ली पुलिस की वर्दी थी। उस बारे में पूछने पर बताया कि ये उनका लाइसेंसी हथियार था, लाइसेंस भी था साथ में था, लेकिन ये बताया कि ITBP के रिटायर्ड जवान हैं, लेकिन पुलिस की वर्दी जो थी वो दिल्ली पुलिस की थी, तो शंका हुआ। फिर इनको थाने ले जाया गया। एक बड़ी टीम द्वारा कई घंटों की रात्रि में पूछताछ की गई, उसमें पूरे मामले का खुलासा हुआ कि ये हाईवे पर अभी जो बिहार में शराबबंदी है उसका लाभ उठाकर ये शराब कारोबारियों से और अन्य लोगों से पैसा ठगने और लूटने का काम करते हैं। दो चालबाज दिल्ली, दो UP और दो बिहारी हैं। समस्तीपुर के बंगरा थाना के पुलिसकर्मियों में इस कांड के उद्भेदन से काफ़ी खुशी है। गाड़ियों को बरामद कर थाने में लगा दिया गया और तफ्तीश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज़, समस्तीपुर।